नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपको टुडेज न्यूज में। और हर एक बार फिर से हाजिर है हम दिल्ली की 20 बड़ी खबरों के साथ। दिल्ली एनसीआर के सभी अधूरे प्रोजेक्ट एनबीसीसी पूरे करेगा। दिल्ली के डॉन ने कोर्ट में प्रेमिका संघ की सगाई, 20 से ज्यादा हत्या का है आरोपी। उद्घाटन के एक दिन बाद वंदे भारत एक्सप्रेसवे में आई खराबी, दूसरी ट्रेन से दिल्ली भेजे गए यात्री। दिल्ली एनसीआर में मौसम ले सकता है करवट, अगले 3 दिनों में हो सकती है तेज बारिश। सरकार बेच रही है दिल्ली एनसीआर में 26 लाख में 4 रूम फ्लैट, 10 मार्च तक कर सकते हैं आवेदन। दिल्ली के राजौरी गार्डन इलाके में नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म। छेड़छाड़ के केस में सांसद संजय सिंह बरी, बिना सबूत पुलिस ने दर्ज की थी FIR। दिल्ली पर फिर आएगी सफेद आफत, मौसम वैज्ञानिक ने कहा फिर से गिर सकते हैं ओले। पुलवामा में कपिल मिश्रा ने कह दी है ऐसी बात कि अलका लांबा बोली, माँ से पैदा हुआ ये बात नहीं कह सकता। करोलबाग अग्निकांड, होटल अर्पित का मालिक गिरफ्तार, 17 लोगों की हुई थी मौत। दिल्ली में उबल रहा पाकिस्तान के खिलाफ गुस्सा, जंतर मंतर से लेकर के गली गली कूचों में हो रहा विरोध। दिल्ली में वंदे मातरम एक्सप्रेस का टिकट अगले 2 हफ्ते के लिए फुल। करोलबाग होटल हादसा, अर्पित पैलेस का मालिक गिरफ्तार, आज कोर्ट में पेशी। JNU में गूंजे पाकिस्तान मुर्दाबाद और भारत माता की जय के नारे। नकली RC बना करके चोरी की बाइक बेचने वाले गैंग का भंडाफोड़, 2 नाबालिगों समेत 3 हिरासत में। नई दिल्ली के मुखर्जी नगर में रहने वाली एक युवती के गलत नंबर पर फोन लगने से हुई थी दोस्ती, युवती ने किया दुष्कर्म। दूसरे राज्य के लिए भी चलेंगी बसें, दिल्ली सरकार और चंडीगढ़, रायपुर और देहरादून घूमने में होगी सहूलियत। दिल्ली में द्वारका में लो फ्लोर बस में लगी आग, मची अफरा तफरी। दिल्ली में करोलबाग होटल मालिक का BJP से कनेक्शन, इसलिए नहीं हुआ गिरफ्तार, सत्येंद्र जैन ने लगाया आरोप। पार्किंग के लिए MCD ने मांगी, ईस्ट दिल्ली में 3 जगह हैं। और ये थी दिल्ली भर की 20 बड़ी खबरें। कल फिर हाजिर होंगे हम इसी वक्त। देखते रहे हमारा न्यूज़ चैनल, और अगर आप हम यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।